हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्क एकेडमी। इस वाले वीडियो में हम 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एमपी का एक फैक्ट देख लेते हैं। अभी हाल ही में गणगौर फेस्टिवल चल रहा था, आप लोगों ने कुछ लोगों ने सेलिब्रेट भी किया होगा। तो गणगौर फेस्टिवल मेनली मालवा एंड निमाड़ क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अदर रीजन्स में नहीं किया जाता, दूसरे रीजन्स में भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मालवा एंड निमाड़ में, ठीक है। अदर स्टेट्स में भी काफी फेमस है। तो ये हिंदू फेस्टिवल है जो कि 16 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन की जाती है ना। ठीक है, देख लेना आप एक बार इसको। फिर बात करते हैं कुछ नेशनल करंट अफेयर्स की। तो एक इनिशियली दो करंट अफेयर्स हमारे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड हैं। सबसे पहले देखिए, हरेंद्र सिंह जी को हेड कोच बनाया गया है इंडियन विमेन्स हॉकी टीम का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट हमारे लिए। और दूसरा फैक्ट इसमें देखिए, अपॉइंटमेंट में इकोनॉमिस्ट मनोज पांडा, इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का। 16th फाइनेंस कमीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं हमारे एग्जाम में। तो 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसके बाद क्या लिखा है इसमें, इसका पीरियड क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031, ये याद रखना है बिल्कुल, है ना। 2026 से 2031 तक। इसका मतलब अभी कोई दूसरी फाइनेंस कमीशन चल रही होगी, तो अभी कौन सी चल रही है, 15th चल रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। 16th के हम देख लेते हैं, अरविंद पनगरिया जी होंगे, है ना। तो 15th के कौन है और फाइनेंस कमीशन का रोल क्या रहता है, क्या काम रहता है, क्यों नियुक्ति की जाती है, क्यों गठन किया जाता है, सॉरी, है ना। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये फोटो आप जो देख रहे हैं, मनोज पांडा जी की फोटो है। फिर देखते हैं हम, इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग द ईयर 2024 इज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। का क्या मतलब है कि इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रही है ना, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करने की ओर बढ़ रही है, ठीक है। फिर दूसरा फैक्ट है, अहोबिलम टेम्पल न्यूज में था, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। एक बार बस ऐसे ही देख लेना, बेसिक सा फैक्ट है। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हिग्स बोसोन, पहले तो बात आप लोगों को याद होगी, आज से कुछ वर्ष पूर्व 2013 की बात है, न्यूज़पेपर में काफी मतलब एक बड़ी सी हेडलाइन आई थी, द गॉड पार्टिकल। मुझे आज भी याद है, द गॉड पार्टिकल। तो द गॉड पार्टिकल क्या है क्या नहीं है वो आप लोग एक बार पढ़ लेना। लेकिन द गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन के लिए एक व्यक्ति थे, पीटर हिग्स, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2013 में। एक फिजिसिस्ट रहे हैं ना, पार्टिकल फिजिक्स में जाना माना नाम है, तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उनकी हाल ही में डेथ हुई है, इसके लिए ये इतना बड़ा करंट अफेयर, इतना बड़ा फैक्ट लिखा हुआ है ना। तो हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल के लिए उन्हें 2013 में नोबेल प्राइज मिला था, उन्हीं की हाल ही में मृत्यु हुई। फिर एक सॉफ्टवेयर, पेगासस सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर भी बोल सकते हैं, न्यूज में था। एक इस तरीके का स्पाईवेयर है जो कि यूजर की जानकारी के बिना उनके फोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाती है इसमें, ठीक है, देख लेना। तो अब ये दूसरा फैक्ट देखिए, रशिया ने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया है, अंगारा A5, ठीक है, एक बेसिक सा फैक्ट है, याद रख लेना आप लोग। फिर जिम्बाब्वे से रिलेटेड अगला फैक्ट है, उन्होंने ऑफिशियली एक न्यू करेंसी लॉन्च की है, गोल्ड बैक्ड करेंसी, जिग, ZIG, है ना, जिम्बाब्वे गोल्ड। आप लोग अगर न्यूज में पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं कि जिम्बाब्वे काफी इकोनॉमिक इन्फ्लेशन या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो ये काफी स्टेप्स लेते रहते हैं। तो ये उसी में से एक स्टेप है, टू टैकल इन्फ्लेशन एंड टू कॉम्बैट इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, है ना। हिंदी में देख सकते हैं कि मुद्रा स्फीति से निपटने एवं आर्थिक अस्थिरता का मुकाबला करने के लिए। तो ये करेंसी का नाम याद रखिए और किसने लॉन्च किया ये जरूर याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए, एक फिल्म न्यूज में थी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, एक भारतीय है, पायल कपाड़िया जी, उनकी फिल्म है ये। इसको कान फिल्म फेस्टिवल, है ना, कांस भी बोल देते हैं कुछ लोग, कान भी बोल देते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये जरूर बताएं, ये आप काफी पढ़ते होंगे कान फिल्म
फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, ये सिटी कहाँ पर है ये भाई, कौन सी कंट्री में है ये कांस नाम की सिटी, आप लोग एक बार मुझे जरूर बताएं। ठीक है, फिर अगला फैक्ट देखिए, साइमन हैरिस जी आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड है ना। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस वीडियो पर बेस्ड हमारे। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स इन मध्य प्रदेश, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मैंने बताया था लेकिन आपको 4 और 6 में कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप लोगों को ये पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है एमपी में, या ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो ज्यादा पॉपुलेशन है एसटी की, अराउंड 21% है ना, 21.1%, और एससी की पॉपुलेशन है 15.6%। तो पॉपुलेशन एसटी शेड्यूल ट्राइब की ज्यादा है, तो सीट्स भी रिप्रेजेंटेशन भी उनका ज्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा 6। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट राखी गढ़ी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। अगर आप कम्युनिटी वाले क्वेश्चंस मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो या इंस्टाग्राम के क्विज क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो ऑप्शंस क्या है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो आंसर इज सी, हरियाणा। जुडित सुमनवा तुलुका अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, है ना, किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, या किस अफ्रीकन देश की। ऑप्शन देखिए, साउथ सूडान, सेनेगल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कीनिया, तो आंसर इज सी, डीआरसी, इसको डीआरसी भी बोल सकते हैं। अच्छा, आप लोग अगर ये ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो एक बार एटलस ओपन करके इनकी लोकेशन भी देख लिया करिए, तो कुछ और भी फैक्ट्स आपको मिल सकते हैं कि साउथ सूडान कहाँ है, सेनेगल कहाँ है, डीआरसी कहाँ है, केन्या कहाँ है, क्योंकि डीआरसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेगा अगर आप एटलस ओपन करेंगे। ठीक है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो इन अप्रैल 2024। तो ऑप्शन देखिए, श्रीनिवास पालिया, पवन दावुलूरी, राकेश मोहन या नरेंद्र गुप्ता, तो आंसर इज ए, श्रीनिवास पालिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।